और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी वेब चैनल को और दबाए बेल आइकन को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से गूगल मैप को ऑफलाइन मोड पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आपको पता ही है, यदि आप गूगल मैप को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर इंटरनेट होना जरूरी है, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पर आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लाया हूँ जिसके जरिए आप जिस भी एरिया में जाना चाहते हैं उस एरिए का मैप ऑफलाइन मोड पर आप ले सकते हैं और ऑफलाइन मोड पर लेने के बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से गूगल मैप को ऑफलाइन मोड पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की ओर जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो यदि दोस्तों आप गूगल मैप को ऑफलाइन मोड पर यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट को ऑन करना है और ऑन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो अपना लोकेशन है इसको भी यहाँ से ऑन करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जो लोकेशन है इसको भी यहाँ से ऑन कर दिया है। उसके बाद हमें अपने मैप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम अपने मैप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें 3 लाइन दिखाई दे रही है, हमें इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा है ऑफलाइन मैप, हमें इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर लिखा है सिलेक्ट योर ओन मैप, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको जो भी एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करना है उस एरिया को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। मतलब दोस्तों आपको जिस भी एरिया का ऑफलाइन मैप चाहिए आपको उस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना है जिस पर आप जाना चाहते हैं, आप जो भी एरिया में जाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे शो हो जाता है कि आपने जिस भी एरिया को सिलेक्ट किया है उसका जो मैप है वो कितने MB का है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। यदि आप इसको यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसको डाउनलोड करते हैं तभी आप इसको ऑफलाइन मोड पर यूज कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे लिखा है डाउनलोड, आप इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा फिर आप इसको ऑफलाइन मोड पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑफलाइन मैप है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यदि आप इसका उपयोग अब करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जहाँ भी इस मैप के अंदर जाना चाहते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। आप जो भी ऐसे ऑप्शन चूज करना चाहते हैं आप उसी प्रकार से चूज कर सकते हैं जिस प्रकार से आप ऑनलाइन चूज करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी एरिया को ऑफलाइन मोड पर यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको चूज करना है और चूज करने के बाद आपको ऑफलाइन मोड पर इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो बेल का आइकन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उन सब का बेल के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।